हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शिमला मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम स्टफ करके बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। इसे बड़े बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने आधा किलो शिमला मिर्च लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक पैन ले लिया है। गैस को हम ऑन कर लेंगे और उसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तो आप कोई भी तेल खाते हैं उसे डालिए। वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे जीरा और मेथी दाना। तो दोनों मिक्स हम एक चम्मच डाले हैं और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। दोनों को हम हल्का सा भूनने देंगे। ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसे चटक जाने देना है। तो जीरा और मेथी भून चुका है, अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा ओनियन जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था और हम तेल में अच्छे से इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे या जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक हम भूनेंगे। प्याज को चलाते हुए भूनना है। प्याज को हमने 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और दोनों को हम 2 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। अच्छे से भून लेना है हमें। हमने प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट मिर्च भी भून लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा टमाटर कटा हुआ डालेंगे और इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। जब हमने टमाटर डाल ही लिया है तो साथ में हम मसाला भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला था। तो इसे हम टमाटर के साथ भूनेंगे। हमें आलू भी डालना है तो हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है। अब हम सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब देख सकते हैं टमाटर कितनी जल्दी नमक डालने से गलना शुरू हो गया है। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट तक पका लेंगे जिससे टमाटर प्याज अच्छे से गल जाएगा। 3 मिनट तक पका लिया है, अब हम कवर हटा के एक बार अपना मसाला चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, टमाटर प्याज लहसुन सब गल चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है। हम इसे अब एक दो बार चला लेंगे अच्छे से और 1 मिनट तक और भून लेंगे। इसमें मसाला अच्छे से भुना जाना चाहिए। तब तक हमें भूनना है, टाइम तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं अपना प्याज लहसुन टमाटर
एकदम गल चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है, इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी आई है। अब हम लास्ट में डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला और साथ में हम डालेंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर, इससे फिलिंग का टेस्ट और बढ़ जाता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें भूनना नहीं है, जस्ट इसे मिक्स करके और ये चार आलू को हमने कुकर में बॉयल करके छील के मैश लिया है, बड़ी साइज की आलू थे। अब हम इस आलू को मसाले में ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मैश करते हुए और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। हमने मसाले के साथ आलू को अच्छे से मैश के भून लिया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और ये अपनी भरने के लिए शिमला मिर्च का भरवन तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने तक हम शिमला मिर्च तैयार करेंगे। तो चलिए हम शिमला मिर्च तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम शिमला मिर्च काट लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डंठल को ऐसे धीरे धीरे चाकू से निकालेंगे। तो डंठल हमने हटा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच से 2 कट लगाएंगे आधा आधा करके। तो हमने 2 पीस में तैयार किया। अब हम एक स्पून की मदद से इसके सीड को निकालेंगे। तो इसका ये जो ज्वाइंट है यहाँ यहाँ हम स्पून ऐसे दबाते हुए और इसके सीड को अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम ये स्टफिंग के लिए एरिया खाली कर लिए। ऐसे ही हम नीचे वाले भी हिस्से को निकाल के और ये नीचे वाली जो हिस्सा है उसको हम 1 कट और लगाएंगे। इससे क्या होता है, अपनी शिमला मिर्च पैन में अच्छे से ऐसे बैठ जाता है। तो हमने ऐसे ही सभी शिमला मिर्च को काटना है। दूसरा भी आपको दिखा देते हैं। चाकू के ऊपर वाले पॉइंट से हमें डंठल निकालना है। फिर हम पीछे वाले हिस्से को हल्का सा काट देंगे और इसमें हम आधा आधा करके 1 और कट लगा देंगे। अब हम स्पून की मदद से इसका सीड निकाल लेंगे। तो ऐसे हम आराम से सीड को निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सभी शिमला मिर्च तैयार कर लेंगे। सभी शिमला मिर्च को काट लिया है। अब हम इसको भरेंगे। तो ये रहा अपना मसाला। इस मसाला से हम शिमला मिर्च भर सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, आलू पराठा बना सकते हैं, इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये मसाला जो है बहुत ही काम का चीज होता है। खाने में तो इतना टेस्टी होता है, जब आप बनाएंगे तो बड़े बच्चे भी इसे चट कर जाते हैं। चलिए अब हम मसाला भर लेते हैं। तो हम चम्मच से मसाला लेंगे और शिमला मिर्च में अच्छे से भरेंगे। हमें अच्छे से इसे भरना है बराबर। चम्मच से दबाते हुए हम शिमला मिर्च को बराबर भर लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी शिमला मिर्च में
मसाला भरेंगे, आप देख सकते हैं हमने सभी शिमला मिर्च को एकदम परफेक्ट भर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हमने गैस पे उसी फ्राई पैन को खाली करके ले लिया है। गैस को हम ऑन करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच तेल। तो ये रेसिपी जो है बहुत कम तेल में तैयार होता है। तेल को फैला देंगे, गैस को हम स्लो कर लेंगे और एक एक शिमला मिर्च को हम उठाएंगे और ऐसे तेल में डाल देगा। एक एक शिमला मिर्च को हम धीरे धीरे ऐसे डालते जाएंगे। तो एक बार में जितनी मिर्च आ सकेगी हम पैन में फिट कर देंगे। हमने पैन में सभी मिर्च को फिट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, कवर करके इसे एक साइड से 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे शिमला मिर्च अच्छे से अपना सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम एक बार शिमला मिर्च चेक कर लेते हैं। तो हम कवर को हटा देंगे और एक चम्मच की मदद से बहुत ही सावधानी से हम इसे उलट लेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं इधर से थोड़ा थोड़ा अपना शिमला मिर्च जो है पक चुका है। तो हम ऐसे उलट देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी कवर करके 5 मिनट तक सेंकेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार फिर से शिमला मिर्च को उलट लेंगे। क्योंकि ऊपर वाली हिस्सा जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो हम एक बार इसे और उलटेंगे। तो बड़ी ही सावधानी से हम चम्मच से इसे ऐसे फिर से उलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। हमने दूसरे साइड से फिर से फ्लिप कर लिया। अब एक बार हम और 5 से 7 मिनट तक कवर करके पकने देंगे, फिर हम आपको बताएंगे। 5 मिनट बाद हम फिर से एक बार अपनी मिर्च को चेक करेंगे। तो अपनी मिर्च अच्छे से पकी हुई दिख रही है, हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी मिर्ची पक चुकी है। तो हमने एक साइड से 5 मिनट और दूसरे साइड से 10 मिनट तक पकाया। शिमला मिर्च वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी पक जाता है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसकी बेकिंग कर लेंगे। चलिए हम एक एक मिर्च को निकाल लेते हैं प्लेट में। मिर्च सॉफ्ट होता है और अच्छे से पक चुका है, तो हम इसे थोड़ा आराम से निकालेंगे और ऐसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। स्पैचुला नीचे से लगा के और आराम आराम से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। शिमला मिर्च तैयार है, इसकी हमने प्लेटिंग कर ली। तो ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त लगता है, बड़े बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।